दोस्तों, मेरा नाम है प्रियम एंड आप देख लो क्रेजी प्रियम। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं आप में से सभी व्यूअर्स को आज के वीडियो में। एंड आज हम लोग बात करने वाले बायजूस क्लासेस के बारे में। तो जिनको नहीं पता, मैं बायजूस का सबसे वियर्डेस्ट फैन हूँ। देखो, मैं ना लेता तो मुझे तुम्हारे लिए एकदम सा एक ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका नहीं मिलता। मैं ऐसे ढंग से, मतलब यूट्यूब पे तुम सर्च करोगे तो हज़ारों वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जिनमें ऐसा दिया हुआ है कि भाई क्या है ये, क्यों है ये, क्यों फ्रॉड कर दिया, स्कैम अलर्ट, ये सब बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये एक स्टूडेंट की तरफ से आ रहे एक काफ़ी एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। पहले एक चीज़ देख लेते हैं जो कि ये है। वेदांतु को तो कभी भी ज्वाइन मत करना, बहुत अच्छे ऑप्शन है मार्केट में। आप बायजू ज्वाइन कर सकते हो, बायजू का कोई भी कंपटीटर नहीं है। ये सब फ्रॉड हैं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन बायजू इज़ द बेस्ट इन द मार्केट। तो प्लीज़ मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वेदांतु से दूर रहें। अरे अंकल, बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान सर है, ठीक है, बिग फैन हो क्या? नहीं, मतलब आयरन खान जैसे नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो, ये पता है इसका इस वीडियो का एकदम टाइटल क्या था? वेदांतु पे, कि वेदांतु खराब है। अंकल ने भी ऐसा टेस्ट नहीं किया, अंकल को बस सुना ही दिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में यकीन मत करना। एंड अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम ऐसे बायजूस का काफ़ी सारे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं एंड फिलहाल हम बोल भी रहे हैं उसके बारे में, तो या हाँ जी, रंग बदलने में हम लोग काफी ज्यादा माहिर है, लेकिन इस वाली के अलावा भूंद वाली फीलिंग, बायजूस के कस्टमर वाली फीलिंग कैसे आएगी? तो ये पहन के हम लोग बाकी का वीडियो का कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एकदम स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो क्लास 8 में जब मैं था, तो मैं डीवी स्कूल शिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे स्कूल में पहली बार के लिए बायजूस से लोग आए थे एंड एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेके गए थे। तो उसमें बायजूस ने सबका नंबर इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उसमें हम लोगों को दिया गया था कि तुम अपने फ़ोन नंबर से तुम्हें यहाँ पे फिल आउट करना है एंड तुम्हें बायजूस के ऐप पे तुम्हारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगी एंड तुम्हें 100% स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाएगी। एंड इसे स्कूल में आ रहे हैं तो सारे के सारे बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे। मामूली सी बात है, हर किसी बच्चे को ऐसा ही दिखाता है कि आपके बच्चे ने काफ़ी सारी चीज़ें अच्छा किया, काफ़ी सारी चीज़ें बुरा भी किया। अब देखो, यहाँ तक तो था बायजूस की एक स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी के बाद क्या आते हैं, वो है बिजनेस। देखो, बिजनेस में क्या है कि तुमने उनका जो ऐप है, एकदम मतलब जोश के चक्कर में उनका ऐप डाउनलोड कर लिया कि भाई देखो, पेरेंट्स को भी दिखानी है, देखो एकदम कितना अच्छा रिजल्ट किया मैंने। क्योंकि उनका जो टेस्ट होती है ना, जो स्कूल में आके लेते हैं, वो काफ़ी ईजी होती है, तो बच्चों को ऐसा अंदर से लगता है कि भाई एकदम टॉप कर जाएंगे। एंड ऐसा क्या होता है कि जो मतलब स्कूल से एग्ज़ाम लिया जाता है, वो बाहर से कोई आता है एंड उनका कोई सर्विलेंस नहीं रहता, उनका कोई इन्विजिलेटर नहीं रहता, तो क्या होता है कि बच्चे लोग चीटिंग कर ही लेते हैं। वही तो सारे बच्चे अंदर बैठ के चीटिंग कर लेंगे तो उनका जो वो एग्ज़ाम था वो तो सबका ही अच्छा जाएगा। एंड वो जो चीज़ हुआ था मेरा क्लास 8 में, मतलब कि 2018 में ये वाली चीज़ें हुई थी। अब देख सकते हो कि भाई उसका चीज़ों का मैं काफ़ी अच्छी तरीके से एकदम फैंडम रखता हूँ, आई डोंट नो क्यों रखता हूँ, लेकिन बोला ना वियर्ड फैन हूँ। ऐप डाउनलोड किया एंड उसके बाद ही बायजूस से लोग हमारे घर आ गए, एक एकेडमिक काउंसिलर। अब इनका जो भी बातचीत होती थी सारा का सारा पेरेंट्स के साथ होती थी। अब देखो, एक काफ़ी सिंपल से मैं चीज़ तुम्हें समझा देता हूँ कि हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं, उनके जो भी पेरेंट्स होते हैं, पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा जो होती है वो गाँव से होते हैं, उनके मतलब जो पहले वो गरीब हुआ करते हैं एंड फिर बाद में वो लोग जैसे पढ़ाई कम्प्लीट करके थोड़ा सा मिडिल क्लास में आते, क्योंकि वो गरीबी देखे थे, उनको स्ट्रगल पता था, तो उनका हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही मतलब होती है ना, मतलब केयर है कि हमारे बच्चे जैसा हमारा पास था, हमारे बच्चे का फ्यूचर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम्हारे केयर करते हैं, लेकिन करते करते काफ़ी कुछ गलत भी कर देते हैं, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन जो हुआ था कि अब भाई उसको ये सब चीज़ें पता थी ना, क्योंकि ऐसा होती है अगर कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी बना रहा होता है तो उसमें ये सब इंक्लूडेड है कि कैसे किसी को ऐसे ब्रेन वॉश करना है, कैसे क्या क्या करना है, सब कुछ उनको आता है। तो एकेडमिक काउंसिलर जो कि थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि उनका जो साइकोलॉजी होती है ना, समझना काफ़ी अच्छा है उनका, ठीक है, जो भी है। तो
घर में आते हैं तो हमारे पेरेंट्स को ऐसा समझाते हैं कि देखो अगर आपका बच्चा ऐसा बायजूस का कोर्स नहीं लेगा तो ये देखो इनका जो एग्ज़ाम का रिपोर्ट है प्रोग्रेस है वो काफ़ी मतलब उनसे ही बनाया गया होता है, ठीक है। एंड वो ना जब कॉल में होते हैं, जब आपके घर में आएंगे हम लोग तब आपका पेरेंट्स के साथ कॉल में होते हैं, वहाँ पे वो लोग पूछ लेंगे कि आपका जॉब क्या है, आपका काम क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आप मतलब कितने रईस हो आप, ये चीज़ वो पहले जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, तो क्या हुआ कि अब आके उनका जो एक ऐसा ही टैबलेट होती है, इसमें मेरा भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो ऐसे एक टैबलेट होती है उनमें दिखाती है देखो आपका बच्चे का यहाँ पे कितना सा मार्क्स छूट रहा है, ये सब जगह पे इनका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आता इसको इसको, और ऐसे ऐसे मतलब खराब खराब क्वेश्चन करेंगे। जैसे मेरे को आके पूछ रहा था भाई HCF होते और LCM होते हैं, वो क्या पूछ रहा है HCM बता दे और LCF बता दे। अब वो किसी तरीके से लॉजिक लगा के उनको प्रूफ कर रहे, लेकिन वो चीज़ तो हम नहीं सीखते ना, वो चीज़ स्कूल में नहीं सिखाया जाता एंड वो चीज़ का कोई ज़रूरत भी ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो वो लोग ऐसे ऐसी चीज़ें मतलब जो कि तुम्हें पता नहीं होगा, मैं तो एक मतलब जो मेरे को पूछा गया था वही मैं बोला, तो जो चीज़ तुम्हें पता नहीं होगा जो चीज़ तुम स्कूल में सीख के नहीं रहोगे ऐसा ऐसा चीज़ें बोलेंगे एंड बोलेंगे कि ये भाई यही बात है भाई साहब कौन सा LCFJE में आता है ये चीज़ मेरे को तुम बता दो, ठीक है मैं मान जाऊँगा वट एवर। तो ऐसे करके मेरे को मतलब काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन पूछा एंड एकदम लास्ट में क्या रहा कि भाई आपका तो बेटा अगर हमारा बायजूस का कोर्स नहीं लेगा, अगर लोकल वाले जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं उन पे पढ़ेंगे या फिर कुछ भी करेंगे मतलब ऐसे ही पढ़ाई करते रहे तो आपका बेटा JEE नहीं क्रैक कर पाएगा एंड आपका बेटा वापस गरीब हो जाएगा। अब ये वो इंडायरेक्टली मीन कर देते हैं कि आपका बेटा वापस गरीब हो जाएगा, जहाँ पर पेरेंट्स का दिल जो है दुखता है एंड वो बायजूस का कोर्स ले लेते। उनका एक और भी चीज़ है कि बेटा तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम लाइफ में कुछ बन नहीं पाओगे एंड ये बोल के बार बार से हाँ तुम पढ़ोगे बार बार से हमसे ऐसे बुलाया जा रहा था कि मेरे से कि हाँ मैं पढ़ूंगा मेरे को बार बार बोलना था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि बार बार ऐसे बुला रहा है तो इसका मतलब तुम अगर नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ूंगा तो मेरा लॉस है। तो वहाँ पे वो क्या बात छेड़ता है कि नहीं तुम्हारा कोई लॉस नहीं है, मैं रिफंड कर दूंगा। अच्छा बेटा मतलब तुम यहाँ पे मेरे को कोर्स के बारे में, कोर्स पढ़ूंगा मैं तो स्कूल का पढ़ाई का सोच रहा था, वो स्कूल का पढ़ाई से बात स्टार्ट किया क्योंकि रैंक अच्छे आ रहे थे लेकिन ऐसा समझा रहा था कि ऑल इंडिया पे मेरा रैंक खराब होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाते मेरे को कि और अच्छा रैंक करना है और ऊपर चढ़ना है, मैं और अच्छा करूँगा और अच्छे से पढ़ूँगा और अच्छे से कोर्स करूँगा का बात उठा दिया, मतलब बातों को ऐसे घुमा दिया। उनका बात करने का टेक्निक अच्छा है, उनका ब्रेन वॉश करने का टेक्निक अच्छा है। तो इससे तुम समझ सकते हो कि किस लेवल का बिजनेस यहाँ पे चलता है। तो इन सब चक्करों में नहीं गिरना, ये तो है उन वो घर में आके कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, एकेडमिक काउंसिलर के नाम पे सेल्समैन भेजते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड जो कि आके तुम्हारा पापा मम्मी का ब्रेन वॉश करेंगे एंड तुम्हें चिपका के दे देंगे। ये बात हुई यहाँ तक। इनका प्रोडक्ट में क्या रहती है कि सिर्फ तुम्हें जो एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है वो है डाउट क्लियरिंग। तुम उनका वेबसाइट में जाओ, तुम्हारा डाउट जो है चैट में लिख दो, ठीक है, चैट में लिख दोगे तुम्हारा डाउट एंड उसका आंसर जो है वो तुम्हें 3-4 मिनट बाद आ जाएगी क्योंकि उनका थोड़ा सा फैकल्टी है वो सब क्लियर करने के लिए। एंड वैसे तुम्हें बोल दो कि बहुत सारे डाउट्स नहीं रहते क्योंकि अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो डाउट नहीं रहेगी, वैसे समझ में आती थी लेकिन वो ना जो भी चीज़ें बोलते थे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब तुम्हें एक और सी चीज़ बोल दूँ कि उनका मैं क्यों बोला कि सिर्फ उनका जो डाउट्स है वही उनका एक जो सर्विस है, क्योंकि बायजूस का जो एक YouTube चैनल है या फिर बायजूस ऐप में तुम सब्सक्रिप्शन के बिना जो तुम चीज़ें एक्सेस कर पाते हो, एक चीज़ बोल देता हूँ कि एक फेक नंबर बनवाना, मतलब जो भी एक eSIM का नंबर होता है ना, तुम न्यू मेरे हो या फिर नहीं न्यू मेरे में पैसा लगता है, तुम सेकेंड लाइन से एक eSIM बनवा लो, बायजूस में अकाउंट बना लो, दिन भर देखते जाओ क्योंकि तुम उसके बाद OTP लेने के बाद तुम उसको डिलीट कर दो, दिन भर देखते जाओ सारा सेम चीज़ें रहेगी, ठीक है। एंड लोकेशन का एक्सेस मत देना, ठीक है, क्योंकि लोकेशन वो लोग ट्रैक करके तुम्हारे घर में आते हैं, हर जगह उनका जो भी सेल्समैन होते हैं वो बिखर के रहते हैं, इंडिया का हर जगह दिया है, तो इनका जो बिजनेस स्ट्रेटेजी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये तो डेफिनेटली
होगा ही। तो इनका क्या है, ये सिर्फ तुम्हारा जो बायजूस का यूट्यूब चैनल में जितना भी वीडियोस होती है उनको ये लोग सिर्फ अपना मतलब ऐप में एक जो होते हैं ना कि इंडेक्स करके एकदम अच्छा सा फॉर्मेट में कि हर चीज़ का अलग अलग सेक्शन, वो लोग चाहते थे तो प्लेलिस्ट बना के डेडिकेटेड सी अच्छे से करके यूट्यूब में डाल दे सकते थे, लेकिन उनको तो इनसे पैसा कमाना था। जो यूट्यूब में फ्री में मिलता है उनको ये साल का 40,000 लेना था, तो इसके लिए वो लोग क्या करते, यही करना था। एंड बायजूस में क्या है कि जो चीज़ होती है ना कि जैसे तुम अगर मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से करोगे तो मेरे को उस वाले चीज़ का 17% मिलने वाला है, अगर तुम मेरे वाले डिस्क्रिप्शन लिंक से बायजूस का कोर्स उठाओगे तो। मैं भी अपना सोच रहा हूँ, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ना होती है भाई ऐसा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से 17% जो भी तुम्हारे घर में आके चिपका के जाएगा उसको शायद 20-25% दे देंगे। एंड उसके बाद उनका जो तुम फ़ोन करोगे ना, उनका एक जो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक अलग सा डेडिकेटेड सा काउंसिलर है जो कि तुम्हारा पढ़ाई का ध्यान रखेगा, वो तुम्हें मंथली एक बार मतलब एक ही साल में, मतलब अगर तुम 2 साल का कोर्स लेते हो तो एक ही साल के लिए वो करेगा, वो तुम्हें फ़ोन करेगा, फ़ोन करके पढ़ाई कैसा चल रहा है पूछेगा, दैट्स ऑल। एंड कोई डाउट्स है, डाउट नहीं है तो कोई ना, डाउट है तो क्या है कि वो फ़ोन प्लेस करेंगे कि हाँ ठीक है मैं डाउट्स अरेंज करवा देता हूँ, तुम्हें फ़ोन करेगा एक टीचर, तुमसे पूछेगा कि क्या डाउट है, गूगल में टाइप करके देख लेगा कि हाँ इसका सोल्यूशन क्या रहने वाला है, बस तुम्हें बोल दिया। एंड मैंने मिला के देखा है कि हाँ वो गूगल का ही चीज़ बोल देता है, तो कुछ ऐसा ही चीज़ है। तो देखो मतलब इनका जो प्रोडक्ट है सिर्फ तुम्हें वीडियोस दिखाते हैं एंड उसके अलावा उनका कुछ नहीं है, तो इस चीज़ पे तो मैं बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें YouTube पे मिलता है एंड YouTube पे और बेटर तरीके से मिलता है। एंड एक और चीज़ की बात जो इसका ऐप में बंगाली, हिंदी, तमिल, उर्दू, गुजराती, मराठी एंड ऐसे हर एक लैंग्वेज में मिलते हैं, ठीक है, जो उनका जो स्टडी मटेरियल है हर लैंग्वेज में तुम चेंज कर सकते हो, उनका जो सबटाइटल है वो भी चेंज कर सकते हो, उनका जो बोलते हैं वो भी ट्रांसलेट कर सकते हो, वो सब कर सकते हो। लेकिन हाँ अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो वही कर लो, एंड तुम्हें नहीं आती तो यूट्यूब से और भी देख सकते हो तुम। उनका जो प्रोडक्ट है वो मतलब मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं दिया, तुम्हारे हिसाब से दे सकते तुम। उनका जो बायजूस का जो ऐप होती है उसमें एक नकली नंबर बनवा के उसको तुम देख सकते हो, दैट वुड बी अ फार बेटर ऑप्शन देन तुम खरीद लेते हो, ठीक है। तो ये तो हुई इनका जो प्रोडक्ट है उसकी बात, अब देखो बायजूस का बिजनेस कहाँ पे है। ये लोग एक्चुअली तुम्हें प्रोडक्ट नहीं चिपका रहे, ये लोग चिपका रहे हैं तुम्हें कन्वीनियंस, तुम्हें कन्वीनियंस बेच के तुम्हारा पैसा जो है लिया जा रहा है। एंड ये चीज़ सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा जो फेवरेट बिजनेस की एनालिसिस एक यूट्यूबर है आदित्य असैनी, उनसे भी सुन लो। बायजूस आखिर ऐसा क्या करता है कि वो लोग 70% कस्टमर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इसका जवाब छुपा हुआ है इस एक लाइन के अंदर, इनसिक्योर पीपल बाय कन्वीनियंस टू फील सिक्योर। तो कुछ ऐसा ऐसा मामले है बायजूस पे। एंड अब तो मेरा जितना राय था मैंने दे दिया, अब तुम्हें अगर बायजूस लेना है तो तुम नीचे मेरा वाला लिंक से ले लो, क्योंकि मुझे भी 20% मिलने वाला है, मैं भी 17% से मौज करूंगा। एंड किसको लेना है, अब लास्ट में ये वाली क्वेश्चन आती है कि बायजूस का जो कोर्सेस है किसके लिए डिजाइन होती है। देखो पसीने से मेरा एकदम शाइन करने लगा था भाई, ठीक है कोई ना। तो अब जो बायजूस का कोर्सेस है ये किसके लिए डिजाइन होती है, ये हमारे लिए, तो भाई ये लोग बनाए हैं इसको मिडिल क्लास के लिए। लेकिन मैं बोल देता हूँ कि अगर तुम्हारे बाप के पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा हो गया तभी लो, नहीं तो मत लो भाई। एंड सबसे ज़्यादा बुरी लगती है जब कोई भी पेरेंट आके मतलब पेरेंट को बिना बोले उनसे लोन लिया जाते है, तुम एक बार में पेमेंट नहीं कर पाते है। कोई भी मतलब जो मिडिल क्लास पेरेंट के पास ही आते हैं ब्रेन वॉश करने, क्योंकि जो जिस पेरेंट का इनकम थोड़ा ज़्यादा है वो ये वाले बातें तो वो लोग समझने वाले नहीं है, क्योंकि हाँ मेरा बेटा अगर कुछ नहीं कर पाया तो मेरा बिजनेस संभाल लेगा, सिंपल। तो उनके लिए तो नहीं है ना, जो मिडिल क्लास लोग हैं जो जिनका बेटा जॉब कर रहता है या फिर छोटे मोटे बिजनेस कर रहते हैं उनके लिए ही ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो क्या है कि इधर एक पेरेंट का बिना कंसेंट पे उनका नाम पे लोन लिया सैंक्शन करवाया जा रहा है। एंड ऐसे कई सारे लोन कंपनीज है तो एंड उसके बाद अगर वो लोन ना भी फुलफिल कर पाए तो फ़ोन करके धमकी देना एंड ये सब करना, ये सब भी करते हैं भाई। उन लोगों को पता नहीं था कि ये लोग EMI के नाम पे लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है भाई, देखो तुम बिज़नेस करते हो लेकिन बिज़नेस के लिए इतना भी नीचे नहीं जाना होता है, थोड़ा सा मतलब सोच समझ के, थोड़ा सा कैसे लोगों से भी प्यार जताया जाए ये सब चीज़ें सोचना पड़ता है कि कैसे मतलब
ऐसा करके ना मतलब क्या होगा कि बायजूस ना एक चीज कर रहे हैं कि एक इकोसिस्टम तैयार करने वाला है, ठीक है। तो जिसमें क्या है कि तुम अगर बायजूस से परे हो तो तुम बाहर के ट्यूशन में नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स लाखों खर्च कर चुके हैं तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारे पेरेंट्स सिंपली बाहर ट्यूशन में नहीं भेजेंगे। तो तुम अगर सिर्फ और सिर्फ बायजूस का जो कोचिंग है वही मतलब बायजूस का जो ऑनलाइन ये जो टैबलेट पे तुम जो सीखते हो यही सब अगर तुम्हारे पास है, तुम यही सब सीख के बड़े होते तो तुम बाद में तुम्हारे बच्चे को भी यही चीज़ देने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी बायजूस खेल जाता है, लेकिन जब ये सब चीज़ें आती है ना कि तुम किसी पेरेंट का ऐसे पेट काट रहे हो, वो ईएमआई नहीं दे पाते, लॉकडाउन के टाइम पे कई सारे ऐसे केसेस आए थे कि पेरेंट्स ईएमआई नहीं दे पाए एंड फ़ोन करके धमकी देना एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो कि जिनका प्रूफ भी यूट्यूब पे मिल जाते हैं। थैंक गॉड कि मेरा भी केस ऐसा नहीं हुआ था, कैसे भी हम लोग का सारा पेमेंट पहले से कर दिए थे पापा ने कुछ भी, चलो कोई ना। तो फिर भी ये सब चीज़ें करना गलत है। एंड एक लास्ट में जो चीज़ तुम मेरे को कमेंट कर सकते हो जो कि है, एवरीबॉडी कैन डू मिस्टेक्स, एवरीबॉडी कैन फाइंड मिस्टेक्स, बट फ्यू कैन डू बेटर। हाँ, मैं उनसे बेटर कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ ना, नहीं कर सकता हूँ। जीरो पॉइंट कोचिंग, तो जीरो पॉइंट कोचिंग है एक ऑनलाइन कोचिंग एजुकेशन नेटवर्क, ऑनलाइन नेटवर्क है, ऑफलाइन कोचिंग्स है, इनका काफ़ी सारे ब्रांचेस 2025 तक आ जाएंगे एंड जिनका एक फाउंडर मेंबर मैं भी हूँ, ठीक है, मैं हूँ, कोई ना। तो ये सब चीज़ों से हम लोग आज का इस वाले वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी और वाले वीडियो में। टीम इंडिया पे बायजूस को देखने से ज़्यादा आईपीएल में टाटा आईपीएल देखना मेरे को अच्छा लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।